हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सुनम। दोस्तों, एलियन रोमुलस नाम का नया इंग्लिश फिल्म देखा मैंने थिएटर में। ये एक साईफाई हॉरर थ्रिलर फिल्म है दोस्तों। लेट मी टेल यू, हॉरर काफ़ी अच्छा है, थ्रिल भी काफ़ी बढ़िया है, टेंशन भी बहुत है फिल्म में, और एक्साइटेड भी आपको ये फिल्म रखेगा, प्लस ऑन द एज ऑफ योर सीट, मतलब ऑन टेंटर हुक्स भी ये फिल्म आपको ज़रूर रखेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया लगा, बहुत एन्जॉयमेंट, बहुत एंटरटेनमेंट मिला ये फिल्म देखकर। फर्स्ट हाफ हो, सेकेंड हाफ हो, इट वॉज वेरी वेरी नाइसली डन। सी बेसिकली इस फिल्म में वो जो मेन लड़की है रेन, प्लेड बाय केली, और उनका जो अडॉप्टिव ब्रदर है जो एक सिंथेटिक ह्यूमन बीइंग है एंडी, यार ये दोनों एंड उनका जो बाकी लोग है टीम में, ये लोग जब दूसरे एक स्पेस स्टेशन में जाता है, वहां पे जब उनको वो मॉन्स्टर्स, वो जो क्रीचर्स है जिसको क्या जेनोमॉर्फ कुछ बोलते हैं ना, वो लोग जब जेनोमॉर्फ इनको अटैक करता है तो कैसे इन लोग अपने आप को डिफेंड करता है, एंड कौन बचता है कौन नहीं बचता है, एंड देन ऑफ कोर्स अल्टीमेटली फाइनल में क्या होता है, दैट इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये फिल्म ना जब वो जेनोमॉर्फ आता है तब से इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि वो जेनोमॉर्फ कैसे आता है, कैसे अटैक करता है, वहां पे जो टेंशन आप महसूस करोगे फिल्म देखते वक्त, दैट इज वेरी वेरी नाइसली डन। इनफैक्ट ये फिल्म का डायरेक्टर वही डोंट ब्रीथ वाला डायरेक्टर है यार, तो डायरेक्टर भी बहुत बढ़िया, को मालूम है टेंशन कैसे बनाए रखना है, दैट इज वेरी वेरी कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड राइट थ्रू आउट द एंटायर ड्यूरेशन, एंटायर कोर्स ऑफ दिस फिल्म। एंड देन दोस्तों उसके बाद आप देखोगे जिस तरह से वो अटैक हो रहा है ना, वो अटैक का जो पर्टिकुलर स्टाइल है तो दैट विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। एंड देयर इज दिस मोमेंट इन द फर्स्ट हाफ वेयर समथिंग हैपन्स विद 1111 टीम मेंबर्स थोड़ा अलग हो जाता है, कोई भाग रहा है कोई नहीं भाग रहा है, कौन बच रहा है, वो सब बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया, दैट इज वेरी वेरी गुड टू वॉच। एंड सेकेंड हाफ में दोस्तों, सेकेंड हाफ में वो एक एक्शन सीक्वेंस जो आप देखोगे जहाँ पे रेन यानी केली जो गोली चलाती है खट 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 वो जेनोमॉर्फ्स को मार गिराने के लिए, वो सब सारा एक्शन इज वेरी वेरी ब्रिलियंटली शॉट, द विजुअल्स वेरी वेरी गुड टू वॉच, बट वेट फॉर द क्लाइमैक्स। अरे क्लाइमैक्स में तो एक्चुअल आपको डर लगेगा यार, क्योंकि वहां पे एक मनुष्य जानवर आता है, जेनोमॉर्फ हाइब्रिड जिसको आप बोल सकते हो यार, वो हाइब्रिड को आप देखो, और हाइब्रिड जो भी कुछ करता है एक्शन में, जो भी कुछ होता है रेन यानी केली के साथ, केली बचती है कि नहीं बचती है यार, वो मतलब अगेन टेंशन एंड डर आपको जो लगेगा क्लाइमैक्स में, दैट इज ब्रिलियंटली डन। इनफैक्ट देयर आर अ फ्यू जंप स्केयर मोमेंट्स एज वेल, कुछ कुछ मोमेंट्स में एकदम सामने आपके सामने ऐसा कुछ वो मॉन्स्टर आ जाएगा, वो डरा देगा यार आपको, सो द जंप स्केयर मोमेंट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी नाइसली डन। सो वॉच इट, इट्स अ फुल टाइम पास फिल्म इन टर्म्स ऑफ हॉरर थ्रिलर आप जो बोल सकते हो। सी हॉरर मतलब वो कॉन्ज्यूरिंग वाला हॉरर नहीं, ये क्रीचर हॉरर है, and that's very nicely done, I really enjoyed it. Acting सभी लोगों ने बहुत बढ़िया किया, केली was very very nice, उनका जो synthetic brother था Andy, he was a character here, he was quite good to watch as well, बाकी लोगों ने भी बढ़िया काम किया है, and visuals क्या stunning है यार फिल्म का यार, visuals तो बहुत बढ़िया, VFX very very good, set design very very nice, जाइए देखिए और देखने के बाद मुझे बताइए आपको एलियन रोमुलस कैसे लगा, लेट मी नो योर टेक। आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स फॉर दिस फिल्म, लेट मी नो हाउ यू फाइंड इट, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो, और साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर नेम है @bollywoodwala। चलिए टाटा।